Hi friends, this is Asim. You may call me Prince from Law Faculty DU. Today I would like to discuss the landmark case of CPC, which is mentioned in our case mat in case number 7, Koppi Setty v. Ratnam versus Pamarti Venka, 2009 का ये केस है. और ये जो केस है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड है, जिसको मैंने चुनीलाल वी मेहता वर्सेस सेंचुरी स्पैनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड में एक्सप्लेन भी किया है. तो इस केस के फैक्ट ये हैं कि एक आदमी रहता है, वो अपलेंट कोर्ट के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में अपील करता है. तो जब हाई कोर्ट में अपील करता है तो वो जो हाई कोर्ट में अपील होता है वो सेक्शन 100 के तहत अपील किया जाता है, जहाँ पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का होना ज़रूरी है. तो हाई कोर्ट क्या होता है कि सेक्शन 100 के तहत जो अपील होता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट उसके सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही इग्नोर कर देता है और अपलेट कोर्ट के कंक्रेंट फाइंडिंग को भी इग्नोर कर देता है. तो जब हाई कोर्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही इग्नोर कर देता है, तब वो जो पर्सन होता है वो SLP यानी कि स्पेशल लीव पटिशन, जो आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसके तहत वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करता है हाई कोर्ट के इग्नोरेंस के अगेंस्ट में. तब सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट का ये ज्यूरिडिक्शन है कि वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही इग्नोर कर दे और साथ ही साथ अपीलेट कोर्ट के कंक्रेंट फाइंडिंग को भी इग्नोर कर दे. तो जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन ये होता है कि जो सेकेंड अपील होती है, यानी कि अपीलेट कोर्ट के अगेंस्ट में जो अपील होती है हाई कोर्ट में, वो अपील सेक्शन 100 के तहत होती है जो CPC का है, और उस अपील को तभी इंटरटेन किया जाएगा जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व होगा. यानी कि उस अपील में सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो सेक्शन है जिसके अंडर में, जिसके ग्राउंड पे सेकेंड अपील होता है, वो पूरा का पूरा सेक्शन सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही बेस्ड है. तो हाई कोर्ट ने जो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को इग्नोर किया है, ये इग्नोरेंस बिल्कुल गलत था और हाई कोर्ट का ये ज्यूरिडिक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि हाई कोर्ट सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ को ही इग्नोर कर दे. तो कोर्ट फर्दर ये कहता है कि जो सेकेंड अपील होती है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ के ग्राउंड पे होती है, ना कि फैक्ट के ग्राउंड पे. आई होप, तो इस तरह से ये केस डिसमिस होता है और हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड किया जाता है. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा.